गुरु में अविचल श्रद्धा, शिष्य को कैसी भी मुसीबत से पार होने की गूढ़ शक्ति देती है। गुरु में दृढ़ श्रद्धा साधक को अनंत ईश्वर के साथ एक रूप बनाती है। जिस शिष्य को गुरु में श्रद्धा है वह दलील नहीं करता, विचार नहीं करता, तर्क नहीं करता, वह तो केवल आज्ञा ही मानता है। शिष्य जब गुरु में श्रद्धा खो देता है तब उसका जीवन उजाड़ मरुभूमि जैसा बन जाता है। साधक जब गुरु में श्रद्धा खो बैठता है तब उसके जीवन का वैभव नष्ट हो जाता है। जीवन का पानी गुरु में दृढ़ श्रद्धा है। सदैव याद रखो, मनुष्य जब पवित्र गुरु के शब्दों में श्रद्धा खो देता है तब वह सब कुछ खो बैठता है। अतः गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखो। गुरु के चरण कमलों की प्रार्थना शिष्य के हृदय को प्रफुल्लित बनाती है, उसके मन को शक्ति, शांति एवं शुद्धि से भर देती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य और अनासक्ति पैदा करता है और अमरता प्रदान करता है। सर्दी का मौसम था, ब्रह्मवेत्ता संत स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज अपने अस्थाई निवास पर प्रवचन कर रहे थे। अचानक जाड़े से थर थर कांपती हुई एक बुढ़िया वहां पहुंची और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, ओ महाराज, मेरा भी कुछ भला करो, मैं ठंड के मारे मर रही हूं। स्वामी जी ने अपने सेवक को बुलाकर कहा कि कल जो रेशमी बिस्तर मिला था वह इसे दे दो। शिष्य ने सारा बिस्तर जिसमें दरी, तकिया, गद्दा व रजाई थी लाकर उस बुढ़िया को दे दिया और वह दुआएं देती हुई चली गई। जिस भक्त ने वह बिस्तर स्वामी जी को दिया था उससे रहा न गया। वह बोला, स्वामी जी, कम से कम एक दिन तो उस बिस्तर पर विश्राम करते तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता। स्वामी जी बोले, जिस पल बिस्तर तुमने मुझे दिया उस पल से वह तुम्हारा नहीं रहा, और जो तुमने दान में दिया वह दान में ही तो गया। दुनिया में तेरा मेरा कुछ नहीं, जो जिसके नसीब में होगा वह उसे मिलेगा। इस प्रकार भक्तों ने अद्वैत ज्ञान, वैराग्य एवं पर दुख कातरता का पाठ केवल पढ़ा ही नहीं, वह जीवन में किस प्रकार झलकना चाहिए यह अपने गुरु के कार्य में उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। एक बार गुरुदेव स्वामी लीला शाह जी महाराज ने एक इंजीनियर को बुलाया और कहा कि तुम इंजीनियर हो, आदिपुर जो गुजरात में है, आदिपुर की कुटिया के निकट कुआं खोदना है
यह कार्य तुम अपने ऊपर ले लो। उसने कहा, स्वामी जी, इस क्षेत्र में जितने कुएं खुदवाए गए हैं उनसे खारा पानी निकलता है। यह खारी भूमि है, कुएं का विचार छोड़ दे। स्वामी जी ने कहा, उसकी चिंता मत करो, अपनी विद्या का उपयोग कर तुम मुझे बताओ कि कुआं कहां खुदवाना चाहिए। इंजीनियर ने नक्शा बनाकर दिखाया। उसे देखकर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, शाबाश, तुम्हारे नक्शे और मेरी सोच में मात्र 1 फुट का फर्क है। फिर उन्होंने निशान बनाया और जय राम जी की कहकर काम आरंभ करवा दिया। पानी मीठा निकला और वातावरण में जय घोष गूंजा। स्वामी लीला शाह जी महाराज की जय। एक बार स्वामी जी रस्सी के बल सुलझा रहे थे। पूछने पर बोले कि भारत के दुश्मनों का बल निकाल रहा हूं। उन दिनों भारत चीन युद्ध चल रहा था। दूसरे दिन समाचार आया कि युद्ध समाप्त हो गया और दुश्मनों का बल निकल गया। कैसी अनोखी जीवन शैली होती है ब्रह्मवेत्ताओं की। ब्रह्मनिष्ठ योगियों को भूत, वर्तमान एवं भविष्यकाल ये तीनों हाथ पर रखे आंवले की तरह प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए उनके पावन सानिध्य से, उनके सत्य संकल्प और आशीर्वाद का बेजोड़ लाभ मिलता ही है। लेकिन मार्गदर्शन में चलने वालों शिष्यों का तो परम कल्याण होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं को हृदय पूर्वक पूर्णतः समर्पण कर हम भी अपना जीवन धन्य करें।